दरअसल जब इंसान की किडनियां खराब हो जाती हैं, तो हमारे शरीर से तरह तरह की गंदगियां नहीं निकल पाती। तरह तरह की चीजें खाने से हमारे खून में तरह तरह के मिनरल्स इकट्ठा होते जाते हैं और हमारी किडनियां इन मिनरल्स को खून से फिल्टर कर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। पर अगर किडनी ऐसा ना कर पाए तो ये मिनरल्स हमारे शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स करते रहते हैं। इसी वजह से किडनी की बीमारी के दौरान हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं और हम क्या पी रहे हैं, क्योंकि आप जो चीज जितनी क्वांटिटी में खाएंगे उतना ही सुनिश्चित होता जाएगा कि उस तरीके का मिनरल्स इकट्ठा होता जा रहा है। इसलिए किडनी के पेशेंट को पूरे दिन की मील में ये ध्यान रखना होता है कि वो क्या खा रहे हैं, और दिन का सबसे जरूरी खाने का समय होता है नाश्ता। एक किडनी के पेशेंट के दिमाग में ये जरूर आता है कि वो अपने नाश्ते में क्या क्या चीज खा सकते हैं, और एक ऐसी ही चीज जिसे ज्यादातर लोग अपने नाश्ते का हिस्सा बना लेते हैं वो है ओट्स। आजकल ओट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए ओट्स खाना चालू कर दिया है। वैसे तो मार्केट में हर ब्रांड के ओट्स आते हैं और कई तरीके के फ्लेवर के भी होते हैं, पर चलिए जानते हैं कि क्या आप किडनी की बीमारी के दौरान ओट्स खा सकते हैं। तो दोस्तों, ओट्स खाने से एक किडनी के पेशेंट में काफी फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ओट्स खाने से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा तो आपको दिल की बीमारियां नहीं होंगी। आपको ये तो पता ही होगा कि दिल की बीमारियां और किडनी की बीमारियां आपस में जुड़ी होती हैं। यानी कि जब आपका दिल हेल्दी रहेगा तो आपकी किडनियों पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा जो आपको ओट्स करती है वो ये कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम कर देती है और आपका वेट लूज करने में भी आपकी मदद करती है। आपको ये तो पता ही होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज किडनी की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है। मोटापा होने से शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। तो किडनी की बीमारी के दौरान और वेट को भी कंट्रोल कर ओट्स का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा फायदा जो ओट्स आपके लिए करती है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जब आपको किडनी की बीमारियां हो रखी हैं, जिससे आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ओट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं और ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। आप सुबह उठकर फ्रेश ही महसूस करेंगे। ओट्स खाने से जो चौथी चीज होती है वो ये कि आपका ब्लड अच्छा होता जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से खून का प्रभाव अच्छा बना रहता है, आपकी नसें अच्छी बनी रहती हैं और आपकी किडनी में जाने वाले खून की नसें भी स्ट्रांग बनी रहती हैं, जिससे आपकी किडनियां और अच्छे से खून को फिल्टर कर पाती हैं। यानी कि ओट्स खाने के फायदे तो बहुत हैं, पर आपको कुछ चीजें ओट्स खाते वक्त ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि बाहर से ओट्स के पैकेट खरीदते वक्त ये चेक कर लें कि उसमें अलग से प्रिजर्वेटिव और एडिटिव कितनी मात्रा में डाले गए हैं। अगर उसमें अलग से न्यूट्रिशन डाले गए हैं, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। कोई भी ओट्स का पैकेट खरीदने से पहले उसका पैकेट जरूर पढ़ें, और ऐसा ही ओट्स खरीदें जिसमें अलग से एडिटिव बहुत ही कम मात्रा में डाले गए हों या फिर डाले ही ना गए हों। कुछ किडनी के पेशेंट जिनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, उन्हें भी ओट्स कम मात्रा में खाना चाहिए। ओट्स फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। तो देखा आपने कैसे कुछ एक अच्छी सी चीज खाकर आप अपने शरीर की किडनी की बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर सिर्फ ओट्स से कुछ नहीं होगा, आपको जरूरत पड़ेगी कर्म आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दिल्ली में जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियां ठीक कर दिखाते हैं। अच्छा है, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट जुड़े हैं जिनका क्रिएटिनिन जो था वो 22 के आसपास था और अब 1.8 की रेंज में आ गया। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स, जानेंगे उनसे कि किस प्रकार उन्होंने गंभीर समस्या में क्रिएटिनिन 22 से लेकर और 1 तक ये लेकर आए हैं पेशेंट। एक क्रिएटिनिन 22 से लेकर एक क्रिएटिनिन करवा लेते की दवाई, जानेंगे उनसे। क्या नाम है पेशेंट का? नरेंद्र कुमार नाम है उसका। कहां के रहने वाले? पन्ना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिजपुर विलेज है वहां से। अच्छा, और ये कौन है आपके पेशेंट? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई, जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी? जब आया था इसका क्रिएटिनिन 22 के आसपास था। हाँ। और इसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी और बॉडी में स्वेलिंग थी, इचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में, और डायलिसिस पे था पेशेंट। डायलिसिस पे था। तो अभी डायलिसिस करा रहे हैं इनका? अभी डायलिसिस इसका हो रहा है।
और अभी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल आने वाली हैं, मतलब उसका ब्लड हीमोग्लोबिन तो हल्का कम है, लेकिन जो क्रिएटिनिन है उसका 1.8 से बना हुआ है, 1.8 हो गया, 22 से लेके 1.8 आ गया, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। और इसका जो ब्लड यूरिया है वो 46 के आसपास आ गया है, 46 हो गया है, वो तो नॉर्मल हो गया यूरिया उसका, और पहले तो ये बड़ा हुआ था काफ़ी यूरिया इसका, 236 के आसपास आ रहा था। यस सर, और अभी फिलहाल तो उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है और हल्का हल्का फेस में स्वेलिंग रहती है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, बाकी नॉर्मली ही है, खाना भी अच्छा खाता है और हल्का फुल्का घूम भी लेता है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमको अभी मेडिसिन लेते हुए 5 मंथ हो गए हैं। पहले से फिजिकली बहुत बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है ना? पहले से फिजिकली बहुत बढ़िया है, और इस बार पिछली बार जो मेडिसिन लेके गए थे उस बार से अभी वेट भी उसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट्स आए हैं आपको। यस सर, और 22 से जो क्रिएटिनिन है वो 8 आया और फिर ये 1.8 की रेंज में आ चुका है, काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, 22 तो बहुत ज़्यादा होता है क्रिएटिनिन और नॉर्मल की रेंज में आ गया इनका क्रिएटिनिन। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई है या कोई दूसरी किडनी से रिलेटेड समस्या है, ऐसे लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेकर के कर्मा आयुर्वेदिक में जाएँ और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, तो उनको बेहतर इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। डॉक्टर लाल पैथरा की रिपोर्ट है, नरेंद्र कोरी, इन्होंने टेस्ट कराया है ये जीन से, हरियाणा से, और हरियाणा में रहते हैं? नहीं सर, हरियाणा से नहीं है ये, है आपका पन्ना से। पन्ना कहाँ है ये? पन्ना ये मध्य प्रदेश में आता है। 23 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन 22 है और यूरिया जो है वो 236 के आसपास है, और उसके बाद जब इन्होंने टेस्ट कराया है तो ये क्रिएटिनिन का हो गया 8.7 और यूरिया जो हो गया वो 97.8 के आसपास आ गया। देख सकते हैं आप रिपोर्ट किस तरीके से इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद फिर एक और टेस्ट इन्होंने कराया, इसमें क्रिएटिनिन 1.8 हो गया और यूरिया जो है वो 46.12 हो गया। ये अभी की रिपोर्ट है सर, ये 2 और 3 फरवरी के आसपास की रिपोर्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आए हैं नरेंद्र को, और 22 से लेके 1 की रेंज में भी क्रिएटिनिन है, सल्फिर रहा है बस उसको यूरिन पास होने लगे तो वो भी होगा। पहले से अच्छा इंप्रूवमेंट है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।